छतरपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नंगे बदन खड़े इस व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। एसपी ऑफिस में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे गोकुल अहिरवार ने बताया कि गांव में ही लगभग आधा दर्जन इन्हीं की जाति के दबंग लोग हैं जो जिला बदर होने के बावजूद यहां भय फैला रहे हैं। गोकुल अहिरवार ने बताया कि पिछले दिनों इन आरोपियों ने उनसे शराब के लिए 5,000 रुपए की मांग की, जब पैसे देने से इनकार किया तो गोकुल के साथ मारपीट की गई। आरोपी कलन अहिरवार, जगन अहिरवार, सचिन और संजीत अहिरवार ने योजनाबद्ध तरीके से इसे लाठियों से पीटा। गोकुल ने इस मामले की शिकायत बड़ा मलहरा थाने में भी करनी चाहिए, लेकिन पुलिस कह रही थी कि सिर्फ 2 लोगों के नाम ही FIR में दर्ज करेंगे, जबकि मारपीट करने वाले 5 लोग थे। ऐसे में अब फरियादी अपने पूरे परिवार के साथ छतरपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर बैठ गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। गोकुल अहिरवार, कलन ने, जगन ने और प्रीतम, संजीत और सचिन और जिला बदल साहब आदमी हैं, आरोपी आदमी हैं, ये साहब जिंदगी भर से हैं। 4 दिन 2 दिन जिला बदल होगा इनको साहब, पूरे गांव भर में जिला बदल होगा। सबको आतंक कहते हैं, ठाकरन को, बामनन को, सभी को आतंक है। मारपीट साहब जी, हमसे पैसा मांग रहे थे दारू के लिए, पैसा घर में आके पैसा कौन दे देगा? हम गरीब आदमी साहब, हमारे पास खाने के लिए पैसे दिल्ली जाते हैं, 5,000 रुपया दो, नहीं दिए। बस हमारे घर वाली को पकड़ा, हमको घर वाली को खींच के कलर ने बस मारने लगा। फिर हमने कि भैया काय पे मारा, हमारे लोग आज हम लोग नहीं है पैसा, बस कलर ने उठा के हमें लट्ठ मारे सर। थाने में शिकायत की सर, हम रिपोर्ट लिखवा रहा, 5 आदमन की लिख रहा है, 2 आदमन की, कोई सुनाई नहीं की हमारी। रात भर रही हम साहब थाने के सामने, कोई ने सुनाई नहीं करी। आज हमें एफ सी साहब के पास आए, अभी उनकी मीटिंग चल रही, साहब बोल रहे हैं कि आवेदन दे दो, कल तुम्हारी सुनवाई होगी।